no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. फ्रेंड, आप देख रहे हैं अनमोल टेलर। मैं हूँ रमेश बाबू। आज हम आपको न्यू डिज़ाइन बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, जो कुछ तरीके से है। एक पैटर्न बना लेना। सबसे पहले आपने इसकी लेंथ चेक करवा लेते हैं, लंबाई। पौने इंच की लंबाई का ये पैटर्न है, चेक कर ले फ्रेंड। तो पौने इंच की लेंथ का ये पैटर्न बना लेना आपने, गत्ते का या बकरम का बना लेना है। उसके बाद हम सेंटर कर लेंगे, और सेंटर भी इस तरीके से करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो लाइनें दो बनानी है, वो एक सूत्र का मार्जिन छोड़ते हुए दो लाइनें बना लेनी है। तो इस तरीके से हम सेंटर करेंगे। तो ये तो दो लाइनें मैंने बनाई हुई है, चेक कर लो। तो हम यहाँ पे पौने इंच पे निशान लगाएंगे, जो हमारी पैटर्न मैंने काटा हुआ उसका पौना इंच लेंथ है। तो हम पौने इंच पे इसे मार्किंग कर लेंगे, हर पौने इंच पे इस तरीके से करते हुए निशान लगा लेंगे, ताकि हमारे को मार्किंग करने में आसानी हो जाए, और जो हमारा मार्जिन है ये कितना आ जाए, आगे पीछे नहीं हो। तो इस तरीके से मार्किंग कर ले फ्रेंड। मार्किंग करने के बाद हम इसको पैटर्न जो हमने काटा हुआ है, इसको हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे, दोनों साइड का मार्जिन चेक करते हुए बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से करेंगे। पौने इंच पे बना के पौना इंच छोड़ के फिर आगे करेंगे मार्किंग। तो चेक कर ले, पौना इंच छोड़ के फिर पौने इंच पे जाके हम फिर मार्किंग करेंगे। तो ये तरीका फ्रंट पट्टी पे, बैन पट्टी पे और कफ पे सेम तरीका अप्लाई करेंगे। तो आपको फ्रेंड ये डिज़ाइन समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से बन जाएगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो आपने भी ये वीडियो एंड तक देखनी है फ्रेंड, भी आपको पता लग जाएगा। और इसका जो है लुक है वो भी हम चेक करवाएंगे आपको। तो ऐसे बारी बारी मार्किंग करते हुए आगे जाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड हमारी मार्किंग हो चुकी है, चेक कर ले। तो हम कफ पर भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे। हमने वही लाइनें बनाई हुई है, पौने इंच का तरीके से हम निशान लगा लेंगे पौने इंच पे, तो हमारे को आसानी हो जाएगी। तरीका चेक कर ले। सेम तरीका जो हमने पट्टी पे मार्क किया हुआ है, वो सेम तरीका यहाँ पे हम कफ पे मार्क करेंगे। तो कफ पे हम फिर कप जहाँ से नीचे वाली साइड पे कर रहे हैं, ऊपर वाली साइड पे नहीं, नीचे वाली साइड पे कर रहे हैं, जहाँ से हम अटैच करते हैं वहाँ से ये आएगा नीचे, ऊपर नहीं आएगा। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना कि जिंदगी शुरू हो चुकी है फ्रेंड। तो चेक कर लें, ये बिल्कुल बिल्कुल ओके आ गया है। ये ध्यान में बात रखनी होती है, चेक कर लें। तो हम ये सब पे इसी तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे, बैन पे भी कर लेंगे, कप पे भी कर लेंगे। तो हमने मार्किंग मुकम्मल की हुई है, चेक कर लो, मार्किंग हो गई है हमारी।
तो इस पर जो हम धागा इस्तेमाल हम करेंगे तो वो हम नीचे से जो बाबिन में से चलाएंगे वो ब्लैक कलर का चलाएंगे। ये धागा चेक कर लो, ये हम ऊपर से जो चलाएंगे वो वाइट में चलाएंगे। तो इस तरीके से हम मशीन पे आपको बना के चेक करवाते हैं। आपने ये वीडियो देखनी है फ्रेंड, चेक कर लो। इस तरीके से हम जो हम बीच में से सिलाई चलाएंगे वो हम बराबर की चलाएंगे, तो आपको लुक चेक करवाएंगे इसका। यहाँ से हम बराबर में चलाएंगे फ्रेंड, चेक कर लो। और वहाँ से हम हमारी मार्किंग की हुई है उस मार्किंग के ऊपर हम चलेंगे। बिल्कुल आपकी मार्किंग अगर अच्छी होगी तो आपकी जो लुक आने वाली वो भी अच्छी आएगी। मेन मसला होता है मार्किंग का, मार्किंग अच्छी कर लिया करें। फिर मशीन को घुमाना इस पेपर, तो ये तरीका चेक कर लें फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा कैसे रन बनती है कमांड धागों से। चेक कर लें, तो हम फ्रंट पट्टी पे भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे। चेक कर लें, एक साइड हम पहले लगाएंगे, दूसरी साइड बाद में लगाएंगे, ये बन जाएगी डिज़ाइन। तो फ्रेंड आपको ये डिज़ाइन समझ में तकरीबन आ चुकी होगी हुई। तो मेरे चैनल पे जो भी नए फ्रेंड आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले ताकि हमारे साथ जुड़ जाए और नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। हम न्यू डिज़ाइन बनाते रहते हैं और वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आपके लिए ये हमने आसानी बनाई हुई है। तो फ्रेंड थोड़ी हमारी भी हेल्प कर लिया करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करते रहें। चेक कर ले फ्रेंड, ये चेक कर ले, मुकम्मल हो चुकी है, हमने धागा इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम इसमें सुई की मदद से, ये रेड कलर का धागा है लाल कलर का, तो ये मैं जो प्लस का निशान होता है उस तरीके से मैं हटा के लगा लूँगा, ये प्लस के निशान की तरह। चेक कर ले, बिल्कुल आसान है, हमने गिठान नहीं देनी है, जहाँ से शुरू करना है एंड में गिठान जाके देंगे तो हमारी सफाई आ जाएगी इसके अंदर। तो ये आसान तरीका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, थोड़े टाइम में बन जाती है, लुक अच्छी आने वाली है इसकी। टांका प्लस के निशान का है, चेक कर लो, बराबर में लगा लेंगे हम। चेक कर ले फ्रेंड, नीचे से हम मजबूत कर लेंगे इसको, गठान लगा लेंगे, वहाँ से शुरू किया हुआ था यहाँ से एंड में हम गठान लगा लेंगे। चेक कर ले, तो हम सबके इस तरीके से लगा लेंगे। लगाने के बाद प्रेस करके अच्छी तरह प्रेस कर ले, तो बकरम जो हल्का फुल्का फुला हुआ होता है वो बैठ जाएगा। प्रेस कर ले, इसको शावर लगा के प्रेस कर लेंगे तो भी ज़्यादा ये मजबूती आ जाएगी इसके अंदर, उसकी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड ये लुक आ चुकी है आपके सामने, चेक कर ले कैसी लग रही है। यूनिक अच्छी लग रही है, गोल्डन कलर पे, ब्लैक और लाल कलर का ये जो डिज़ाइन बनाई हुई है गोल्डन कलर के, बिल्कुल अच्छी लग रही है। चेक कर लें आप, आसान तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो फ्रेंड इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
धन्यवाद।